वीडियो एंड ये वाला वीडियो होने वाला है ससा फराज हॉल वीडियो, जिसमें मैंने ससा फराज से चार टॉप और दो मैंने बॉटम मंगवाया है और एक मैंने ड्रेस मंगवाई है। सो ये सारा सब मैंने मंगवाया है और मैं आपको बताऊंगी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और इसमें से तीन जो पेयर आपने देख लिए होंगे पहले, क्योंकि वो मैंने बाय मिस्टेक उन्हें अपलोड कर दिया था और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ये वीडियो बनाया है या नहीं बनाया। सो मैं वापस से आपको दिखा दूंगी इसी वीडियो में। तो अच्छे लगते हैं तो आप जाके परचेज कर लेना उनको, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थे वो सारे ही। तो स्टार्ट करते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ, तीन प्रोडक्ट जो मैंने पहले दिखाए थे वो ये वाले थे, जिसमें एक ड्रेस थी रेड कलर की वेलवेट वाली ड्रेस, एंड इसमें एक ब्लैक पैंट्स थी बेल बॉटम वाली, और एक इसमें स्कर्ट थी पिंक कलर की शेप में शिमरी थी। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन टॉप के साथ में ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको इमेज इसमें साइड में दिख जाएगी, प्लस आपको इसमें ट्राई ऑन भी दिख जाएगा, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको मेरे जितने भी मैंने थोड़े बहुत अभी तक उसमें अपलोड किए हैं सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, इनके सारे मिल जाएंगे इस हॉल का जो जितने भी लिंक्स है। और बाकी के अगर आपने नहीं देखे तो उसमें से जाके आप बाय इमेज भी देख सकते हो कि इस इमेज में आपको जो भी दिख रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने परचेज किया ये वाला टॉप। ठीक है, सारे एक ही ब्रांड के मैंने आपको बता दिए हैं, और लाइक क्योंकि मैंने तीन प्रोडक्ट पहले मंगवाए थे और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे, और मैंने ना क्या किया था कि एक साथ मतलब जो वो तीन पहले आ गए थे तो मैंने उनका वीडियो ना मुझे लगा कि मैं बाद में डालूंगी, बट मैंने पहले ही डाल दिया था और मुझे लगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, मुझे याद ही नहीं रहा था। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाय पिक्चर अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये वाला जो टॉप है ये बहुत ज्यादा क्रॉप में आएगा, और जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही आया है। बट अगर इसकी बात करती हूँ इस टॉप की, तो ये बहुत ज्यादा ही सुंदर प्रिटी जिसे बोलते हैं वो वाला टॉप है ये। और इसमें जो आपको मिलेगा यहाँ से आप देखोगे तो बीच में से आपको ये थोड़ा सा ना स्वीट आर्ट शेप में मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो फैब्रिक यूज हुआ है अंदर आप बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा सिल्की सा है, प्रॉपर वो नहीं बोलेंगे सैटिन का, बट हाँ थोड़ा सा सैटिन मिक्स वाला सैटिन है ये। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे तो इधर ये नेट वाला फैब्रिक है, और नेट का जो फैब्रिक है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लग भी रहा है कि अच्छा मटेरियल यूज हुआ है इसमें। और इसकी स्लीव जो है वो आपको प्रॉपर इसकी नेट की मिलेगी, प्लस जो इसकी कोटिंग की हुई है ब्रेस्ट साइड से उसमें भी आपको दिखेगी यहाँ से ये वाला फैब्रिक। ठीक है, और बात करेंगे इसकी स्लीव की, तो स्लीव में भी आपको यहाँ से पूरा नेट मिल जाएगा। और एक चीज ये है कि इसमें इलास्टिक भी ऐड किया हुआ है, जिससे जो यहाँ पर इधर की तरफ ये आके इधर से पूरा अच्छे से स्टिक कर ले आपके हैंड को, और यहाँ से पूरा पफी लुक आए, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। पिक्चर में देख लेना और आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा ट्राई ऑन में भी, और लास्ट में यहाँ पर भी इसमें ऐड किया हुआ है एक अलग से इलास्टिक। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करती हूँ मैं तो बहुत अच्छा फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और काफी अफोर्डेबल है। मुझे प्राइस इनके याद नहीं है, बट हाँ मुझे याद है कि काफी अफोर्डेबल है ये। 1800 में शायद से ये चार टॉप आए हैं, तो आप लगा लेना अपने अकॉर्डिंग। और ये ना बस चीज एक ये है कि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, और इतने शॉर्ट में पहनती नहीं हूँ, और प्लस ये कि ये ना इसमें क्लीवेज थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो मेरे लिए ये वाला टॉप इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप परचेज करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज करना, क्योंकि इसमें मेरा साइज एक तो स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल स्मॉल है, और सुंदर काफी लग रहा है बट बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो आप देख लेना। ब्लैक पैंट्स के साथ मैंने इसको वेयर किया है, चारों टॉप को मैंने ब्लैक पैंट्स के साथ ही वेयर किया है। सो ओवरऑल अच्छा है, लुक भी काफी अच्छा है, एक बार ट्राई जरूर करना। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, और ये वाला भी मैंने रखा है एक से। तो ये वाला टॉप आपको दिखेगा कुछ इस तरह के, कॉटन थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो थोड़ा कॉटन में है, और इसका लुक ना डिफरेंट है और पहनने के बाद तो बहुत अलग ही लग रहा है। इसमें ये चेक वाला आपको प्रिंट मिल जाता है, और फ्रंट से अगर आप देखोगे तो राउंड नेक मिल जाता है इसमें, और ये कुछ इस तरह से है टॉप। ठीक है, आप चाहो तो आपको इस तरह से पहन सकते हो, लेकिन इसमें इलास्टिक नहीं है, तो ये आपको जो इसका नेक आएगा वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा, काफी बड़े उसमें आपको ये कवर कर लेगा, बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसकी स्लीव भी आपको बलून वाली स्लीव मिल जाएंगी, और एक चीज ये कि कॉटन में है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, और साइड में यहाँ पर आपको जिप भी मिल जाएगी, छोटू सी जिप है, ज्यादा बड़ी जिप नहीं है, और ये मुझे हल्का सा लूज भी है, तो स्मॉल में लेके थोड़ा मतलब अगर मैंने इसको लिया है मीडियम में, सो मीडियम में मैंने इसको लिया, या फिर ये मीडियम में ही था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो आप इसमें देख लेना साइजेस आपको मिल जाएंगे, तो इसमें मेरा जो साइज है वो मीडियम है,
और शायद मीडियम ही होगा इसलिए मैंने ये लिया है। बट इसका जो ये फ्रिल है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पहनने के बाद भी काफी सुंदर लुक आ रहा है। येलो कलर का शेड है और समर्स के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि अच्छा भी लगेगा, और इसको ना आप कोई सी भी जीन्स के साथ वेयर करोगे तो लाइट शेड है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो एक बार ट्राई जरूर करना और अच्छा भी काफी लग रहा है, तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो एक बार। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है, ओ ये तो इतना गंदा है बहुत ज्यादा। इसकी आप एक पिक्चर देखना और पिक्चर देखने के बाद इसका ट्राई ऑन देखना, इतना घटिया ये टॉप लग रहा है ना, बहुत ज्यादा घटिया टॉप लग रहा है मुझे। और प्लस ये कि मुझे पता था कि ये वी नेक में आएगा तो थोड़ा सा क्लीवेज इसमें शो होगा, तो इसमें क्लीवेज शो हो रहा है, बट मुझे लगा था पिक्चर वाइज इतना सुंदर लग रहा था, शायद से इस बार स्कैम हुआ है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद ये अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये मेरे पे। और इसमें आपको बलून स्लीव्स मिल जाती हैं और थोड़ा सा जो फैब्रिक है इसका नेट वाला फैब्रिक है, और इसके अंदर एक और फैब्रिक अटैच किया हुआ है, ठीक है, सेम फैब्रिक अटैच किया हुआ है इसमें ही। और इसका जो लुक है आपको दिखेगा, फ्रंट से वी नेक मिल जाएगा और यहाँ से ना इसमें बटन्स भी ऐड किए हुए हैं, ये मुझे बाद में दिखा। और इसमें बटन्स में भी पता है क्या है, एक चीज ये है कि इसमें गैप है, ठीक है, तो ये ज्यादा ऐसे हुए ना तो इसमें गैप से दिखेगा, तो ये चीज मत लेना। और यहाँ से थोड़ा सा ना हल्का सा स्ट्रेचेबल लग रहा है मुझे फैब्रिक, बाकी ओवरऑल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये वाला टॉप, तो बहुत ही ज्यादा घटिया लगा था। और प्रॉपर क्रॉप में है ये, शेड्स इसमें आपको दिख जाएंगे अगर होंगे तो, मुझे तो पता नहीं शेड्स था या नहीं। और इसमें मेरा साइज स्मॉल है, मुझे बहुत गंदी लगी ये चीज। एक तो क्या है कि ये जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पुराना पुराना सा, बट नहीं ये ऐसा ही फैब्रिक है। तो वेयर किया था ना तो मुझे पता नहीं था कि ये बटन्स भी ओपन होते हैं, बट इनको ना इधर स्टिच कर देना चाहिए था क्योंकि ये एक लुक के लिए अच्छा लग रहा है। बट अगर आप इसको वेयर करोगे और अगर आपका साइज छोटा या बड़ा हुआ तो यहाँ से जैसे गैप दिखता है ना वैसे गैप दिखेगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, बाकी अगर आपको ये पसंद आ रहा है टॉप ट्राई ऑन में देख लेना, ट्राई ऑन में अच्छा लग सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है, बाकी तो बहुत बुरा लगा था मुझे टॉप, बहुत ही ज्यादा गंदा लगा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वाला टॉप। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। सो लास्ट जो इन टॉप्स में था वो ये वाला प्रोडक्ट है ना, और ये वाला टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मेरा मन था ये वाला टॉप और येलो वाला टॉप रखने का, बट इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा सी थ्रू है, देख सकते हो, देखो लाइट में आएगा ना, लाइट में देखो पूरा सी थ्रू हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इनर्स भी आपको, अगर आप व्हाइट कलर की इनर वेयर करते हो तो इसमें शो होगी, विजिबल होगी। अगर ये पैडेड होता ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, क्यों, क्योंकि पीछे से ये पूरा बैकलेस है और यहाँ से ना इन्होंने स्ट्रैप दी हुई है। बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा टॉप है ये, आप इसको एज अ ब्लाउज भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसका जो पूरा लुक है वो ब्लाउज वाला ही है। फ्रंट से देखोगे और बैक से देखोगे तो देखो गोल्डन कलर का ही है पूरा, मतलब ब्लैक में है और गोल्डन कलर के इसमें बनाए हुए हैं, प्रिंट किया हुआ है। और बैक से देखोगे तो यहाँ पर आपको ना हुक मिलेगा, हुक मिलने के बाद भी इसमें ना स्ट्रैप दी हुई है जिससे ये आप इसको टाई कर सको और इसका लुक अच्छा है। तो ये साड़ी पे जाने वाला टॉप है, मतलब इसको आप बोल सकते हो ये ब्लाउज काइंड ऑफ टॉप है, ठीक है, ब्लाउज का भी काम करेगा और ये आपका टॉप का भी काम करेगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसा देख रहे हो अनस्ट्रिच, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ इस तरह के ही ब्लाउज चाहिए होते हैं, अनस्ट्रिच होते हैं, उनको स्ट्रिच करवाते हैं, तो इससे बेटर है कि आप ऐसा वाला कुछ टॉप ले लो और उसको वेयर कर लो साड़ी के साथ में। और ब्लैक है तो व्हाइट के साथ भी अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ भी अच्छा लगेगा, तो बहुत सारे कलर्स के साथ ब्लैक चला जाता है, तो आप एक ट्राई कर सकते हो, तो ये अच्छा है। तो इन चारों में से अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये वाला परचेज कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो और ये वाला कर सकते हो। अगर आपको साइज का इशू नहीं है, ये क्रॉप आने वाला है बिल्कुल इतना, ठीक है, तो आप इसे परचेस कर सकते हो, और ये वाला तो मत करना क्योंकि ये मतलब इतना कुछ खास है नहीं। सो बात करते हैं नेक्स्ट, और ये जो मैं आप प्रोडक्ट दिखाऊंगी ये आपने ट्रायल में देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे आप देख सकते हो। सो ये वाली स्कर्ट, सो बात करती हूँ इस स्कर्ट की, तो मटेरियल मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं था और स्कर्ट अच्छी लगी थी, बट मैं इसको ना शॉर्ट कर लूंगी, मुझे इतनी लॉन्ग स्कर्ट्स पसंद है नहीं, और ना ऐसा कट वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी ये वाली स्कर्ट्स, तो मैं इसको शॉर्ट कर लूंगी। बाकी ओवरऑल अगर इसका मैं लुक बताऊं तो फ्रंट से आपको इसका बेल्ट वाला लुक मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें ना थोड़ा सा स्पार्कल भी लगा हुआ है, और अगर बैक से देखोगे तो यहाँ पर आपको इलास्टिक मिल जाएगा पूरा, और इसमें साइड स्लिट भी किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसको पहनते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर स्लिट किया हुआ है, अगर स्लिट बिल्कुल थाई पे होता ना अल्टीमेट लगती बहुत ज्यादा, बट ओवरऑल अच्छा फैब्रिक है और काफी अच्छी है। इसमें मेरा साइज 28 था आई गेस, और हाँ एक्स्ट्रा स्मॉल से मेरा साइज था, सॉरी इसमें साइज मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो अगर आपको दिख रहा हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल है मेरा साइज। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था ये, मतलब प्रोडक्ट अच्छा लगा था, और पिंक कलर की थी तो मैंने सोचा बॉटम भी कुछ परचेज करते हैं इसमें से, तो ये अच्छा था। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये वाली पैंट से तो आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस पैंट में जो लुक है ना वो इतना ज्यादा अच्छा आया है, बहुत ज्यादा अच्छा आया है, और आप इसको देखो, लाइक देखो
ये ना पूरी लॉन्ग में है, ठीक है, और ये बेल बॉटम टाइप में है, लाइक इसका जो पैटर्न है बेल बॉटम है, और फ्रंट से इसका जो लुक है वो पूरा बेल्ट वाला है, एंड बैक से इसमें आपको इलास्टिक मिल जाएगा यहाँ से, और लुक बहुत ही ज्यादा सेक्सी है इसका, पूरी सेटन में है, सी थ्रू नहीं होने वाली, और स्मॉल मेरा साइज इसमें तो मुझे परफेक्टली फिट आ रहा है। मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया था बाय मिस्टेक, तो मैंने इसको रिटर्न करके स्मॉल मंगवाया, और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसमें कोई आपको पॉकेट वगैरह नहीं मिलती, लेकिन ना इसका लुक बहुत ज्यादा एलिगेंट आने वाला है, क्योंकि एक तो सैटिन में, तो सैटिन में जो ट्राउजर है मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने सैटिन के ट्राउजर कभी ट्राई नहीं किए, सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं सैटिन का ट्राउजर परचेज किया मैंने, और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सीरियसली अच्छा लग रहा है। लाइक और इसका कॉस्ट था 800, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ऐसा कुछ आपका वार्डरोब में होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा अच्छी इसकी लेंथ है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लग ही नहीं रहा कुछ वेयर कर रखा है, और इसके अंदर आप अगर अपनी जो भी पैंटीज वगैरह वेयर करते हो तो वो सीमलेस करना, जिससे कि उसकी जो शेप है वो आप विजिबल नहीं हो और अच्छी लगे, बैक से भी एंड फ्रंट से भी अच्छी लगे। सो बात करते हैं लास्ट फाइनल जो प्रोडक्ट मेरे पास है, और ये वाला प्रोडक्ट लाइक मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरसाफराज से भी इतना कुछ अच्छा आ सकता है। और अगर मैं आपको बताती हूँ, यही ड्रेस मैंने एक और मंगवाई थी, और सच्ची बताऊं तो मैंने वो अर्बैनिक से मंगवाई थी, और इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, मैंने ना ऐसी रख रखी थी, सॉरी इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बट इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आई है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया, मुझे इतना परफेक्टली फिट आया है, और इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आपको लॉन्ग रखना है लॉन्ग रख सकते हो, शॉर्ट रखनी शॉर्ट भी रख सकते हो। सो ये कुछ इस तरह की वेलवेट ड्रेस है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, वेलवेट कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसका जो फैब्रिक है वो भी काफी अच्छा है, आप इसको एज अ स्लीव भी वेयर कर सकते हो और एज अ ऑफ शोल्डर भी, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लुक भी काफी अच्छा है और दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो इधर है ना दोनों साइड में आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर ना अच्छे से इधर ना कोटिंग की हुई है इलास्टिक की, जिससे ना इसमें जो थोड़ा सा रफल बन के अच्छा सा कुछ ना स्मोक वाला पैटर्न करने की कोशिश की है, जो हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। लाइक रेड कलर बहुत, ये वाली ड्रेस मुझे इतनी सूट की थी, बहुत ज्यादा सूट कर रही थी वाली ड्रेस, और मैंने इसका जो ट्राय ऑन बनाया वो रेड कलर की हील्स के साथ बनाया, तो मैं सारे ट्राय ऑन आपको ऐड कर दूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये कैसा लगने वाला है और परचेस करने के लायक है या नहीं। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसका प्राइस था 999, सो 1000 रुपीज की है ये, और बहुत अच्छी है, परचेस करके देखना आपको अच्छी लगेगी। सो ये सारा ये स्टफ मैंने जब परचेस किया था, तो मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।